यहाँ पे बहुत सारी टीमें पूछ चुकी थी, मतलब कुछ टीम जैसे की एक स्टार की टीम है अपने कल डेंजरस, अपने टीम डेंजरस डेंजरस यानी कि इंटर के साथ ये टीम नंबर चार का बंदा अकेला ही यहाँ पे आया हुआ है। ब्लैक झकास नॉक हो चुके हैं, ऑक्सी अपने बंदे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सी ने बचा भी लिया अपने बंदे को बहुत ही बढ़िया तरीके से, आपने टीम मारे लगता है ब्लैक झकास को उठा लिया गया। वाइपर इरफान ने नॉक किया भाई साहब, वाइपर इरफान शॉटगन के साथ काफी अच्छा नेट कर रहे हैं। लाइट फ्लैश ने पिस्टल से एक बंदे को नॉक किया, एक वायरस ने यूपी डैश को नॉक किया। वाइपर फैस नॉक हो चुके हैं फिलहाल के लिए, यूपी डैश भी नॉक हो चुके हैं। 17 के बंदे वेनम काफी ज्यादा खुले में जा चुके हैं, सामने पिस्टल वाला लौंडा जो भागने की पूरी कोशिश कर रही है। लगता है वेनम जस्ट मारते मारते रह गए बीच, बावर कश्ती बहुत सही वाला अकेला सामने। यमराज ने शॉटगन से डार्क निक्सन को नॉक किया, सालिम ने टेस्ट बंदे को नॉक किया। यहाँ पे लगता है टीमें जा सकती है लाइट पूरी, लाइट फोर्स ने काफी अच्छा पिस्टल से नॉक किया वेनम को, खत्म करने की पूरी कोशिश, बट हंटर जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगता है पिस्टल खत्म हो चुकी है हाथों से लड़ते हुए, बहुत ही अच्छे नॉक हो गए, अच्छा पुश किया विनेश चावला ने और नॉक भी हो चुके हैं। वाइपर इरफान यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वाइपर सल्लू के साथ मेंटल पावर भी खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे स्पॉट फिनिश कर दी इन दो लौंडों ने मिलके, काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट है दोनों लौंडे। ठीक है सी देखने काफी अच्छा स्पॉट के, बट नॉक नहीं करता ये बंदा, देखने में आ सकता है क्या करता है। बंदे ने एक को भी काफी अच्छा खेल रहे हैं, बिल्कुल सेफ सेफ अच्छा भी है, चिकन निकालना है हेलबॉय के साथ खेलो। हाँ हेलबॉय अबे भोसड़ी के उठा ना बोल रहा हूँ, ऐसा मतलब मैं नहीं ये ब्लैक बात बोल रहा हूँ। एक बंदा चढ़ गया ऊपर, बहुत ही अच्छा नॉक किया ब्लैक झकास ने, मौके पे चौका मारा, किस कदर खत्म करने की पूरी कोशिश। और शायद तो उनकी पेटी से मतलब हील निकालेंगे बंदों के पास, हीलिंग भी काफी ज्यादा करेंगे। आनंद फान के साथ टीम नंबर 11 अभी भी पीछे, को एक बंदा आया टीम को सुधर ने बहुत ही अच्छा दो लौंडों को नॉक किया, और तीसरे बंदे को भी नॉक किया काफी अच्छी तरीके से, नहीं दो ही लौंडों को नॉक किया। ऑक्सी हमारे नॉक पड़े हुए हैं काफी नीचे ऊपर नीचे ऊपर हो रहा है। एमआरएक्स जो कि नॉक पड़े हुए थे, इसका चौथा बंदा बीएनएस किलर बॉल जो कि दूसरी साइड क्या किया लॉन्च,
बता रहे हैं एमवीपी रेगा ऑप्शन है काफी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आप काफी ज्यादा क्लोजिंग कर रहे हैं, क्लोज एनकाउंटर कर रहे हैं। कोबरा किंग जो कि काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है, इसलिए ध्यान में पीछे बहुत ही अच्छा अनॉक किया एचबी सुफियान को और कोबरा आतिक को जो काफी ज्यादा एचपी कम थी, उसी तरह मौका लेकर कोबरा किंग अंदर घुसे, उसी तरह से डेड स्कूल भी आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा इनको स्प्रे पड़ा है। अभी नॉक होते ही कोर ने आई एस डिस्टिंग को नॉक किया, अनदर साइड जो है कोबरा किंग ने रेड स्टार को नॉक किया, डेड स्कूल भी नॉक है। एम आई बी सी पैंट चोट आगे घुस वाले मार कोबरा किंग बचे हुए, कोबरा किंग ने बंदे को खत्म भी कर दिया और ये अभी तक अपने बंदे को उठा भी नहीं पा रहे। डेड स्कूल जो कि नॉक पड़े हुए, पीछे तो एक बंदा भी नहीं आ रहा है, इसमें 14 बंदा कहाँ को गायब है। बहुत यहाँ पे अपने सारे बंदे को उठाया जा रहा है काफी अच्छी तरीके से, 100 बेड पे किया जा रहा है। डेंजर है भी, डेंजर है, खत्म करने की पूरी कोशिश खत्म भी कर दिया भाई और काफी बुरा लगा भाई। आईएनडी टीम को खत्म कर दो, बहुत ही अच्छा, सही बात है, जाने तो जहाने खत्म कर दो भाई। अब यहाँ पे बचे हुए आईएनडी जे को खत्म किया है बे, आईएनडी जे दौड़ो नाइंसाफी है वो सड़ी के आईएनडी स्काउट और प्लस एफोर टॉक्सिक। कोबरा ने एमसीबीसी को भी खत्म कर दिया जो कि बीसी निकल गई जोन कड़ी वाले, इसका 14 बंदा ही नहीं। और ये बहुत ही बेहतरीन नेट जो कि दीवारों पे गया, मतलब अबे सुतरी के भोसड़ी का कौन है ये, कहां से आते हैं? उससे नौ को गुआ माधर और शायद से स्टॉमेटिक यहाँ पे बंदा बोला होगा भोसड़ी वाले आ जाना क्रिमिनल जो AWM लेके दौड़ रहे अभी भी क्रिमिनल डाउन, उनके दो बंदे डाउन हैं फिलहाल। बहुत ही अच्छा स्प्रे दिया जा रहा है, ये बहुत लड़ी किया स्पाइडरमैन सलमान खान। अबे माधर सलमान खान, सलमान भाई क्या हो रहा है काफी अच्छा स्प्रे देने की पूरी कोशिश की। यहाँ पे भंडारा जुटाया हुआ भाई, बहुत ही अच्छा नॉक किया, एंजॉय को भी खत्म कर दिया। ठीक है सी एंजॉयमेंट के साथ कर दिया इनका, ठीक है सी ये मारे काफी दूर से भाई, कोशिश कर रहे हैं मारने की बंदे को बट कोई रिस्पॉन्स नहीं, सारा बंदा दूर नहीं बैठे। ये बसड़ी के इनके एक बंदे बसड़ी के गाड़ियों से मजे ले रहे हैं, सैफ खान मादर सैफ खान गाड़ियों से मजे ले रहे हैं अनदर टीम के साथ। दो दिन हो चुका है क्लोज एनकाउंटर, यूपी की टीम को एक बंदे ने गिरा दिया, काफ़ी अच्छा हंटर नॉक हो चुके हैं, बचाने की पूरी कोशिश। एमवीपी सोनू बराबर से कुछ कर रहे हैं, यूपी हरान भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, वेनम शायद से उठा लेंगे, हाँ वेनम अपने हंटर को उठा लेंगे। यूपी अरहन काफ़ी ज़्यादा नॉक हुई थी और खत्म कर दिया गया,
करने कर भी दिया गया फाइनल डिस्काउंट में। सामने भी काफ़ी अच्छा स्प्रे दिया गया भाई दोनों तरफ से आमने सामने, कितने बंदे को उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही सही, उनके पास पूरा जोन है। ये बैठे हैं लकड़ी के पास, बहुत ही अच्छा नॉक किया लौंडे ने, मौके पे चौका मारा, शायद से खत्म हो दिखा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी कोशिश की, बट बंदा नॉक नहीं हुआ। क्रिमिनल डॉल ने काफी अच्छा पुश किया हंटर की, हंटर के टीम पे, हंटर भी नॉक हो चुके हैं। टीम नंबर यूपी नासिक भी नॉक हो चुके हैं। अब लेनों को तो काफी ज्यादा प्रेशर है। टीम नंबर 23 ने काफी अच्छा नॉक किया, अंदर फट से आ गए। ये बहुत ही अच्छी कोशिश की, दो बंदों, एक बंदे को नॉक किया वेनम ने, बट दूसरी तरफ से शहजाद ब्लैक ने उछलते उछलते कूदते हुए वेनम को भी खत्म कर दिया। यहाँ पे यूपी टीम का सफाया हो गया। कोबरा आकिब को नॉक किया, खत्म भी कर दिया कोबरा आकिब को, क्योंकि अकेले अकेले शायद से पहन नसीब हो गए। आई की टीम आ चुकी है इधर से, लेकिन क्या हो सकता है, रुक चुके हैं पीछे, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा पीछे ही रुक चुके हैं। जमराज आगे निकल गया, आई डी किंग ने बहुत ही अच्छा नॉक किया एक लौंडे को, और खत्म भी भर भी दिया बिल्कुल। जमराज अंदर की ओर निकल लिए, एफ वन ने बहुत ही अच्छा ज्ञान ओपी ने मारा। जमराज भी नॉक हो चुके हैं, आगे तो भी नीचे से लगता नॉक हो सकते हैं। गन चेंजिंग बहुत ही ओपी गन चेंजिंग, बट दो लौंडे ने उनके निपटा दिए। अब एक ही बंदे पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा नॉक किया और भर भी दिया। ओ भाई, यहाँ पे इनकी पूरी स्क्वाड फिनिश हो चुकी है, और दूसरी तरफ से आई एन डी की टीम फिनिश होती है, टीम नंबर 12 लाइट की टीम भी कोशिश कर चुकी है। F1 एक और टीम आ चुकी है, एच बी सुफियान भी दूसरी तरफ से लगे बजे हैं बिल्कुल, और स्पाइक नॉक हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा दौड़ते हुए खुले में। यहाँ के लौंडे ने पेन लिया, एक सार के बंदों ने काफ़ी ज़्यादा पेन लिया। एक सार बॉय इडी, इनका नाम आई थिंक एच डी हेल था। टीम नंबर 20 भी बिल्कुल पीछे पे आ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा बूमा वाला माहौल है। टीम नंबर 20 यहाँ से निकल लिए भाई साहब, कहाँ पड़ चुके हैं, पीछे से निकल लिए, बहुत ही ओपी दिमाग लगाया लौंडे। माहौल है काफ़ी ज़्यादा, बंदे नेट पे नेट किए जा रहे हैं, F1 इस साइड है, F1 उस साइड भी है, बीच में जो है इलाज की टीम है, बट यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल सही धंधे पे धंधा लग रहा है कि हाँ मैच तो हो रही है, अच्छे खासे बंदे भिड़ाए जा रहे हैं स्पाइडर मॉन की तरह। F1 अंदर ने लगता है काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी बंदे को स्पॉट करने की, बट बंदा स्पॉट नहीं हुआ। F1 राउंड डीपी से इलाइट को नॉक किया, दोनों तरफ F1 काफ़ी ज़्यादा बीच में खींच चुके हैं। टीम नंबर 11 उनको कोई पता नहीं कौन से किलर बनने हैं। DMR कैप्टन ओपी उनका 98 निकाल के कुछ चपकाने की पूरी प्रयास में है। F1 ज्ञान ओपी ने F1 राउंड को नॉक किया, बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान ओपी नॉक पड़े हुए हैं, नीचे तो जा रहे हैं घोसड़ी के साथ, कहाँ खड़ी की है एक बंदे को स्प्रे करने के लिए, पहले भोसड़ी का ड्रिंक बाद में पीना। यहाँ पे इलाज की टीम अभी भी ये दोनों घर लेकर बैठी हुई, इलाज की टीम बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ से रोटेट कर रही है। टीम नंबर 20 भी रोटेट करते हुए चली आई, गाड़ियों की फाइट हम लोग देख सकते हैं। भोसड़ी वाले यहाँ देखो स्प्रे लगना है रे, भोसड़ी वाले टट्टी लगता है, इनकी गाड़ियाँ फट सकती है, और यहाँ पे हार्टलेस की गाड़ फट के हाथ में आ चुकी है, ड्राइविंग चलाते हुए सलमान भाई बन रहे हैं। कहाँ पे लेके जाए, चारों तरफ बंदे मादर के। ज्ञान ओपी ने एक बंदे को नॉक, ज्ञान ओपी ने रावण को नॉक किया, इनकी गाड़ फटी, अब ये उतरेंगे भाई साहब, अबे कवर में चल मादर कवर में, पीछे से ये भी है ना किलर पॉइंट की गाड़ मार सकते हैं पैदान की।
ये बिल्कुल आतंकवादी की तरह घूम रहे हैं। अपन भी अपने बाप का पूरा सर्कल है, इधर से उधर जाएंगे, इधर से इधर दूसरी तरफ। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बचने की ऐसा देता है टप्पा टप टप्पा टप टप्पा टप। कोशिश और गाड़ियाँ फटने की प्रकार पे ये लोग दौड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गाड़ियाँ अपने आप तक यहाँ पे लगता है इस हिसाब से नॉक हो चुके हैं। ये सर एक्चुअली ने बहुत ही अच्छा स्प्रे दिया। यहाँ पे लगता है ये बंदा भी जा सकता है क्रिमिनल टोनी। बहुत ही अच्छा कॉर बनाया, बट इनको क्या पता कि अपने भैया भी यहीं पे बीएनएस किलर जो है नॉक कर सकते हैं। यहाँ ये लौंडा बराबर लगा पड़ा है कि जैसे सामने लौंडे को खिला देंगे कुछ ना कुछ। और इनके पीछे बीएनएस किलर बॉय भी हैं जो कि बंदे को देख नहीं पा रहे। बंदे को देख लिया और इनके ऊपर स्प्रे पड़ना शुरू भी हो गया। काफ़ी अच्छा खासा स्मोक बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा फंस चुके हैं ये लोग। टीम नंबर 23 काफ़ी ज़्यादा फंस चुकी है। चारों तरफ बंदे ही बंदे, उस साइड भी, इस साइड भी। और वीएनएस किलर यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सांप बन के बचेंगे और यहाँ पे लगता है निपट जाएंगे। F1 रावण ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है इन लोगों ने जो है अच्छा खासा एंगल निकाल लिया और यहाँ से नॉक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा नॉक किया फ्री फायर में लेकर बैठा। ऊपर से एच बी सुफियान ने काफ़ी अच्छा फायदा उठाया। भाई ओपी इस लौंडे ने ही खत्म किया। इलाइट के दो बंदे को नॉक कर लिया यहाँ पे। रावण ने काफ़ी ज़्यादा इलाइट की, जिनको खाली पड़ गया। ऊपर से सुफियान भी लगे बजे हैं। यहाँ से निकलने की कोशिश में बंदे डूब चुके हैं पानी में। बड़ी अच्छी खासी पड़ी। एक स्टार की टीम काफी ज्यादा खुले में बवाल मचा रही है। बिल्कुल बवाल मचे पड़े हैं। बहुत बड़ी आई एंड साउथ अनदर साइड दिल लगे बजे उठा रहे हैं पेट में। वैसे बोलिए एक स्टार ने काफी अच्छा नॉक किया। यहाँ पे एस की टीम काफी ज्यादा पिस चुकी है। पीछे से जो आई एंड स्काउट भी घुस रहे हैं, एस इरफान, आई एम इरफान और एस सैयद। काफी बहुत ही अच्छी कोशिश कर रहे हैं नॉक करने की। बंदा नॉक नहीं हुआ। हेल भाई भी लगे। थर्की ने बहुत ही अच्छा नॉक किया, बिल्कुल लगे पड़े थे। हार्टलेस की टीम ने पीछे से बहुत ही ऑक्सी ऑफी ने नॉक किया एक बंदे को। बहुत ही क्लोज कॉम्बैट होगा। वाइपर इरफान भी पीछे आ चुके हैं। वाइपर की टीम बहुत ही अच्छी तरीके से उनको जाना ही है। जोन में इनका खून भी जा रहा है बिल्कुल। और ये थर्की कर जा रहे हैं जोन में। हार्टलेस की टीम जोन में जा रही है। बहुत ही अच्छी नॉक करने की पूरी कोशिश की सुलेमानी ने। मिस्टर फैजान, मिस्टर हार्टलेस ये लोग तो चले गए यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छा एक ही लौंडा लगा पड़ा है। बहुत ही अच्छा नॉक किया एक और बंदे को। 1v4 MVP ने बहुत ही अच्छा नॉक किया यहाँ पर। 1v4 कर रहा है उसका आखिरी बंदा ही बचा हुआ MVP रेगा ओपी। पीछे से ही बंदा वाइपर सल्लू ने काफ़ी अच्छा कोशिश की और दूसरी तरफ से यूट्यूबर भी लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा 1v4 किया इस लौंडे ने। क्या बेटा समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ अच्छा खासा कवर मिल गया इसको। दोनों बंदे खुले में बिल्कुल। एक्सर एड्डी ने एस सुलेमानी को खत्म कर दिया। वाइपर इरफान यहाँ पे काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है इन लोगों को। बहुत ही अच्छी क्लोजिंग की भाई। वाइपर इरफान को पड़ी और वाइपर इरफान ने खत्म कर दिया और इसी के साथ प्लेजोन में नॉक भी हो चुका है और उसके बंदे को उठा भी लिया जाएगा। F1 ने काफी अच्छा कवर बनाया हुआ अपने अगल बगल आजू बाजू बहुत ही अच्छी तरीके से। वाइपर की टीम के सामने सुना होगा 13 और
काफी अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पे कवर अपने एक साल में इस साइड को फिर से नॉक किया। यहाँ पर राउंड फ्री फायर देते हुए काफी शायद दिन शायद से नॉक हो जाए बंदा, बट बंदा नॉक ना हुआ। थरकी थरकी जो कि न्यूज पेपर अपने बंदे को उठा रहे हैं बंदे। और जेवार कैप्टन ने काफी अच्छा नॉक करके खत्म भी कर दिया यहाँ पे साहिल की टीम। और दूसरी तरफ से वाइपर इरफान, अबे चल ना वाइपर इरफान के लंग, अबे ये क्या वाइपर इरफान नॉक हो चुके। वाइपर इरफान ने काफी अच्छा नॉक किया था एक लॉन्डे को जो कि निहूर चुके हैं। अब अपने बंदे को बोलते बहुत अड़ी के उठाना मादर स्मोक कर रही है, बहुत अड़ी के अपना नेट जा रहा है। एक्सआर हेल्पर आ चुके हैं बिल्कुल बहुत ही करीब में आ चुके हैं। देखिए एक बंदे को इन लॉन्डों ने खत्म कर दिया था और कैप्टन के ऊपर दो लॉन्डे चढ़ाई कर चुके हैं। बहुत ही अच्छा प्री फायर में एक साथ थर्की को लिया है यहाँ पे डीएमआर कैप्टन ने, कैप्टन ओपी ने। और ये हिल नहीं मारेंगे तो इनके साथ हारी पड़ सकता है और खत्म भी कर दिया इसने। अबे हील मार ले बहुत सड़ी के, अच्छा खासा स्मोक किया आगे। लगता है आज कुछ ना कुछ ले जा सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं। यहाँ पे हेलबॉय और एटी काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर संधू नॉक हो चुके हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा स्पॉट निकाला और एक सार हेलबॉय ने निपटा भी दिया। वहीं पर संधू भी खत्म हो चुके हैं। वहीं पर इरफान और वहीं पर इरफान को लगता है स्पॉट नहीं कर पाए अभी तक। रैंडम इस पर चलाया जा रहा है, टू वर्सेस वन है। बहुत ही ओपी वाइपर इरफान ने नॉक किया वन वर्सेस वन। बहुत ही अच्छी कोशिश की वाइपर इरफान ने, लगता है यहाँ पे वाइपर इरफान लोडिंग में फंस और ड्रॉप शॉट निकालने की पूरी कोशिश, बट यहाँ पे टीम नंबर 10 ले गई, टीम नंबर 10 एक सार ले गई।